आजकल कच्ची कैरिया बाजार में बहुत मिल रही हैं और कच्ची कैरियों का सीजन है, तो चलिए कुछ बनाते हैं कच्ची कैरियों से कुछ अलग और डिफरेंट, जो कि आसान भी होने वाला है। और एक बार आप इसे बनाएंगे ना, तो आप इसे आराम से 1 से 2 महीने स्टोर कर कर भी रख सकते हैं, और आप इसे किसी भी चीज़ के साथ खाएंगे तो वो उसका स्वाद दुगना कर देगा। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या बना रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अपने कच्चे आम की ये रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले रेसिपी बनाने के लिए हमने आम को अच्छे से धो कर लिया है और इसे हमें छील लेना है। सारे आम को हम सबसे पहले छील कर तैयार कर लेते हैं। बहुत ही आसानी से ये रेसिपी बन जाती है। अगर एक बार आप इस रेसिपी को बना लेंगे तो आप बार बार इसे बनाना चाहेंगे। बहुत आसान है, बहुत अच्छी लगती है और आराम से आप इसे 1 से 2 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आम को हमने अच्छे से छील लिया है और 1-2 पानी से इसे अच्छे से साफ़ धो लिया है। और ये जो आम का छिलका हमने छीला है, ये भी हमारा वेस्ट नहीं होगा। आप इसे धूप में सुखा सकते हैं 1 दिन, और इसे हल्का सा इसको पीस कर इसका पाउडर बना सकते हैं। इससे जो हमारे बर्तन हैं बहुत ही अच्छे साफ़ होते हैं, जो ऑयली बर्तन होते हैं बहुत ही अच्छे साफ़ होते हैं। तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं चाहे तो। हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ हमने एक कुकर लिया है, इसमें हम अपने आम को ऐड कर देंगे। आप चाहें तो आम को 1-2 पीस में काट भी सकते हैं, बिना काटे भी ये बहुत अच्छे से गल जाएगा। और हमें क्या करना है, इसमें हल्का सा हम पानी ऐड करेंगे 1/2 कप के करीब, और इसे 2 सीटी आने तक हम आम को पका लेंगे। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने कुछ मसाले लिए हैं, जैसे कि हमने लिया है 1 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच के करीब हमने साबुत धनिया लिया है, और 1/2 चम्मच के करीब हमने सौंफ लिया है। और हमें क्या करना है, मसालों को हल्का सा तवे पे या पैन पर रोस्ट करना है। तो यहाँ मैंने एक तवा लिया है, इसमें हम अपना जीरा और धनिया डाल देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे 1 से 2 मिनट रोस्ट कर लेंगे चलाते हुए। बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है हमें। और हल्का सा हम जीरा और हमारा धनिया भुन जाएगा, उसके बाद लास्ट में हम सौंफ को ऐड करेंगे। सौंफ को बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं किया जाता है, इसलिए हम लास्ट में ऐड कर देंगे। जीरा और धनिया हमारा हल्का सा रोस्ट हो चुका है, अब लास्ट में हम इसमें सौंफ ऐड कर देंगे और इसे भी चला देंगे। और गैस की फ्लेम को यहाँ मैंने ऑफ कर दिया है, और इसे हमें दरदरा कूट लेना है। यहाँ मैंने एक छोटा सा खल लिया है, और इसमें हम अपने मसाले को हल्का सा दरदरा कूट कर तैयार कर लेंगे। यहाँ देखिए दोस्तों, कुकर में हमने आम को 2 सीटी लगा लिया था, और आम हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है और ठंडा भी हो गया है। तो इसके जो बीजे हैं हम निकाल कर साइड कर देंगे, और आम को हल्का सा हम हाथों से मैश कर लेंगे। हमने एक पैन गैस पर रखा है, हल्का सा पैन हमारा गर्म हो चुका है, और इसमें हम अपनी जो हमने आम को मैश कर कर रखा है वो ऐड कर देंगे। 1 से 2 मिनट हमें इसे मीडियम फ्लेम पर पका लेना है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, 1 से 2 मिनट हमने पका लिया है आम को, और अब हम इसमें डालेंगे चीनी। तो यहाँ मैंने करीब 1 कटोरी के करीब चीनी लिया है, आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से चीनी कम ज़्यादा कर लीजिएगा। और अच्छे से इसे मिक्स कर देते हैं एक बार। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे, 1/2 चम्मच के करीब हम इसमें हल्दी डाल देंगे, अच्छा सा कलर आ जाएगा। और इसमें डालेंगे हम 1/2 चम्मच के करीब लाल मिर्च का पाउडर, और 1/2 चम्मच के करीब इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे, इससे काफ़ी अच्छा कलर भी आ जाएगा। और इसमें हम 1/2 चम्मच के करीब नमक डालेंगे, और इसमें हम हल्का सा काला नमक भी आप ज़रूर डालें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अच्छे से मसालों को मिला लेते हैं। 1 से 2 मिनट हम इसे पका लेंगे चलाते हुए। 2 से 3 मिनट दोस्तों हमने इसे पका लिया है अच्छे से, और हमने अभी गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है। और अब हम इसमें डालेंगे अपना ये जो हमने मसाला को रोस्ट कर कर मसालों को रोस्ट कर कर जो दरदरा कूटा था वो इसमें डाल देंगे। और ये देखिए दोस्तों, हमारा जो आप इसे चटनी भी कह सकते हैं, हमारे यहाँ इस तरीके से जो आप आम को हम लोग बनाते हैं, तो हम लोग हमारे यहाँ इसे आमझोल कहा जाता है।
आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो ये बिल्कुल रेडी है, इसे ठंडा कर लेते हैं और सर्व कर लेते हैं।